पहिलोचोटि स्वास्थ्य विभागको कर्मचारीहरूले दुर्गम अनि सुदूर क्षेत्रहरूमा पनि पुगेर कोभिड-19 को खोप लगाउने शिविर कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। यसै क्रममा मालबजार खण्डको टिस्टा नदी छेउ बाख्रागोट ग्राम पञ्चायतको एउटा सानो गाउँ टोट गाउँमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोभिड-19 को खोप लगाउने कार्य सम्पन्न गरेपछि उक्त टोट गाउँ क्षेत्रका बासिन्दाहरू खुसी बनेका छन्। वास्तवमा टोट गाउँ एक अति नै दुर्गम अनि अविकसित स्थान हो, जुन स्थान पुग्नको निम्ति नदी तरेर जानुपर्ने हुन्छ, जो बर्खा यामको समय एकदमै जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ। एउटै विकल्प सडक मार्ग इलेनबारी भएर जान सकिने, तर उक्त बाटोको अवस्था पनि एकदमै खराब र जर्जर अवस्थाको हुनाले उक्त बाटोमा बर्खा यामको समय हिँड्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। फलस्वरूप उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरू सहर आउजाउ गर्नदेखि वञ्चित छन्। यसैले गर्दा उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूको दुखेसो समस्यालाई मध्यनजर राखेर गाउँमै कोभिड-19 को खोप लगाउने शिविर सम्पन्न गरिदिने अनुरोध गरेपछि स्वास्थ्य विभागको तर्फबाट पनि स्थितिलाई मध्यनजर राखेर उक्त क्षेत्रको बासिन्दाहरूका निम्ति कोरोना भ्याक्सिन लगाइने शिविर आयोजना गरिएको थियो, जसमा उक्त क्षेत्रका 300 गाउँलेहरूले कोरोनाको खोप लगाउन सफल बनेको बताइएको छ। नमस्कार, म बाग्राकोट जिके टोट गाउँ अंतर्गत से मैं सुशांत शर्मा। आज की जो वैक्सीन की यहाँ की जो वैक्सीन की प्रवृत्ति थी वो विशेष करके गांव की महिलाओं, जो बच्चे की माँ, उन लोगों के लिए, और जो इलनबाड़ी में हुआ था उसमें से छुटा हुआ बुजुर्ग लोग 45 से ऊपर के लोगों के लिए, और स्पेशल ज़्यादातर वो जो टोट गाँव और सुंदरी बस्ती और ये पूर्व टोट गाँव, पश्चिम टोट गाँव और सुंदरी बस्ती के जितने भी बच्चे की माँ हैं उन लोगों के लिए इस ये रास्ते का और अभी का जो लॉकडाउन को मद्देनज़र करके हॉस्पिटल के सारे स्टाफ और हॉस्पिटल की तरफ से हमारे टोट गाँव के लिए वैक्सीन की सुविधाएं आज दिलाई है। ये सबसे अच्छी बात है और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं बंगाल सरकार के और हॉस्पिटलों के नियम के लिए, और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग थे, जो बच्चे कुचे लोग थे, उन लोगों के लिए और आज बच्चे की माँ के लिए बहुत दुविधा रहती थी वहाँ पे जाने के लिए, बच्चे को लेके जाने के लिए, लेकिन वो सब की दुविधाएं को दूर करते हुए वेस्ट बंगाल की सरकार ने आज बहुत अच्छी काम किया है, उसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा है। धन्यवाद।